गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स. यस्टरडे वी हैड रीड चैप्टर टू. चैप्टर नेम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. टॉपिक ऑफ थर्ड जनरेशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है इन कंप्यूटर. टुडे इन कंप्यूटर वी विल रीड चैप्टर टू. चैप्टर नेम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. टॉपिक ऑफ फोर्थ जनरेशन. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हेयर. फोर्थ जनरेशन चौथी पीढ़ी. द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन वॉज फ्रॉम 1971 टू प्रजेंट. पीरियड मीन्स अब द फोर्थ मीन्स चौथी. जनरेशन मीन्स पीढ़ी. प्रजेंट मीन्स वर्तमान. चौथी पीढ़ी की अवधि 1971 से वर्तमान तक थी. द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर. फोर्थ जनरेशन मीन्स चौथी पीढ़ी. डेवलप्ड मीन्स विकसित. यूजिंग मीन्स प्रयोग. माइक्रो प्रोसेसर मीन्स माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे. इंटेल 4004 चिप वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड इन 1971 चिप 1971 में विकसित किया गया था पहले माइक्रो प्रोसेसर से. द माइक्रो प्रोसेसर इज ए सिलिकॉन चिप कंटेन्स मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स डैट आर डिजाइंड यूजिंग LSI एंड VLSI टेक्नोलॉजी. द माइक्रो प्रोसेसर इज ए सिलिकॉन चिप. माइक्रो प्रोसेसर एक सिलिकॉन चिप है. कंटेन्स मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर्स होते हैं. डैट आर डिजाइंड यूजिंग LSI एंड VLSI टेक्नोलॉजी. जो LSI और VLSI तकनीकी का उपयोग करके तैयार किए गए थे. हमें पिक्चर्स दी है यहाँ पर. इंटेल 4004 चिप जो फोर्थ जनरेशन में डेवलप हुई थी. 4004 इंटेल चिप की हमें पिक्चर दी हुई है. टेस्ट योर सेल्फ. टिक राइट द इन्विटेशन रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब एंड मेड कंप्यूटर्स मच स्मॉलर एंड फास्टर. However, it was equally replaced by another invitation. इसमें हमें दिया है वैक्यूम ट्यूब की जगह कौन सा आविष्कार आया था जो इज मच स्मॉलर एंड फास्टर. जो वैक्यूम ट्यूब से छोटे और तेज गति से कार्य करने वाले थे. हमें यहाँ पर पिक्चर दिया रैम ENIAC ट्रांसफॉर्मर ट्रांजिस्टर. सो देखो वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में आया था. फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को इन्वाइटेड किया गया था एंड सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर. सो ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से स्मॉलर एंड फास्टर थे. तो हम ट्रांजिस्टर पर राइट टिक करेंगे. सो आज आप कंप्यूटर में चैप्टर टू के टॉपिक फोर्थ जनरेशन चौथी पीढ़ी की रीडिंग करेंगे.